कठिन परिस्थिति में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त होता है, जिस संपत्ति का नाम है विश्वास, आत्मबल। ठीक है दोस्तों, हम लोग गेस्ट टॉपिक में चल रहे थे, गेस्ट टॉपिक का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम दोस्तों बहुत सारा चीज पढ़ चुके थे, बहुत सारा गेज पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो एक नन लिमिट है, पहले हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट गेज के बारे में, लिमिट गेज हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग नन लिमिट में पढ़ेंगे। तो अब जो मेरा टॉपिक है वह है डेप्थ गेज। डेप्थ गेज क्या होता है? डेप्थ मतलब होता है गहराई, अर्थात गहराई को जिस गेज के द्वारा मापते हैं, चेक करते हैं, उसे हम डेप्थ गेज कहते हैं। होता है, अब मान लीजिए कि कोई जॉब है, उस जॉब का अगर यह गहराई हमको मापना है, तो क्या हम किसी अन्य से माप सकते हैं? क्या किसी दूसरा गेज से माप सकते हैं? क्या स्क्रू पिच गेज से होगा? क्या माइक्रोमीटर से होगा? क्या माइक्रोमीटर के लिए फिर हमको डेप्थ माइक्रोमीटर में जाना पड़ेगा? तो यहाँ पर गेज के लिए हम एक ऐसा गेज का प्रयोग करते हैं जो डेप्थ गेज है। कैसे है उसका कंस्ट्रक्शन हम उस तरह देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है यह रूल है, जैसे स्टील रूल आपका होता है, ठीक उसी तरीके का क्या है, यह एक रूल है। यह रूल कौन सा रूल है? हम लोग स्टील रूल का टाइप पढ़े थे, उस टाइप में हम लोग पढ़े थे एक नैरो रूल, नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल का काम क्या है? यह जो सबसे पतला ग्रूव होता है, पतला स्लॉट होता है, उसमें यह आसानी से जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई मात्र 5 mm होती है, जिस वजह से किसी पतले स्लॉट में यह आसानी से जा सकता है। तो यह जो नैरो रूल लगा हुआ है, यह नैरो रूल की वजह से छोटा पतला से पतला अगर होल हो, उसकी गहराई को मापना हो, कोई स्लॉट हो तो उसकी गहराई को मापना हो, उससे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जब यह अप डाउन करता है, अर्थात जितना गहराई में हमको जाना है उतना हमको क्या करना पड़ता है, इसको नीचे ऊपर करना होता है। तो इसको लॉक करने के लिए एक यहां पर लॉक नट लगा होता है, जिस लॉक नट के सहारे हम क्या करते हैं, इसको जरूरत के अनुसार रूल को नीचे कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लॉक करते हैं। जैसे यहां पर इसको अगर सेट करते हैं तो ये ऊपर का जो सरफेस है उसके साथ इसके बेस का क्या होगा, नीचे का सरफेस इसके साथ टच करेगा, और इसमें जो रूल है वह आके नीचे क्या होगा, नीचे वाले सरफेस को टच करेगा। अब यहां पर टच करने के बाद क्या किया, हम इसको लॉक कर दिए, और लॉक करने के बाद हम देखेंगे क्या कि यहां जो नीचे आ गया है रूल का भाग, वह भाग कितना मेजरमेंट बता रहा है, कितना माप बता रहा है, जो माप बताएगा वही क्या होगा, डेप्थ गेज इसका डेप्थ का क्या होगा, माप होगा। तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि यह कितना तक माप सकता है, कितना एक्यूरेसी में माप सकता है। तो हम दोस्तों पढ़े थे कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट किसको कहते हैं, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो छोटी से छोटी माप ली जाती है उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो नैरो रूल भी क्या है, एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात यह क्या है, डायरेक्ट मेजर करता है, तो यह भी इसका भी लिस्ट काउंट होगा, कुछ न कुछ तो होगा। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट हम पता था हमको कि 0.5 mm है, 0.5 mm अर्थात 0.5 mm है। तो यह नैरो रूल भी क्या करेगा, 0.5 mm का माप लेगा। तो डेप्थ गेज के द्वारा किसी भी होल को हम 0.5 mm के एक्यूरेसी में, अर्थात 0.5 mm के एक्यूरेसी में उसको माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यही है क्या, डेप्थ गेज। डेप्थ गेज के द्वारा हम आसानी से किसी भी स्लॉट की गहराई हो, किसी भी होल की गहराई हो,
कोई बोर है, ठीक है, ब्लाइंड होल समझते होइएगा, उसको बोर भी कहते हैं, तो ब्लाइंड होल की गहराई को चेक करना है, तो वैसी स्थिति में हम आराम से डेप्थ गेज का इस्तेमाल करके 0.5 mm की एक्यूरेसी में हम माप ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम इससे नहीं ले सकते हैं, अगर इससे ज्यादा लेना होगा तो हम फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा क्या डेप्थ गेज। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज क्या है, इसको होल गेज भी कहते हैं। होता क्या है कि अभी तक हम अंदर के होल को मापते थे क्या चीज के द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा। वर्नियर कैलिपर का जो आउटर डाया और इनर डाया था, तो इनर जो वाला जो भाग था इसके द्वारा किसी भी होल के हमको आसानी से माप ले लेते थे। लेकिन अगर होल कुछ इस तरीके का हो, और यहां हमको इसका अगर माप लेना हो तो क्या होगा, तो वैसी स्थिति में हम इससे माप नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई जॉब है, उस जॉब का इस तरह का बनावट है, अब इसके इस भाग का माप लेना है तो क्या हम किससे ले पाएंगे, इससे ले पाएंगे अंदर से, अगर इधर से क्लोज हो अंदर से लेना हो तो यहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी होल का अंदरूनी माप लेना हो, किसी भी स्लॉट का अंदरूनी माप लेना हो तो वहां पर हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है इसका हम लोग फिगर देखते हैं तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें इस तरीके से बना होता है, यह भाग हैंडल कहलाता है, यह भाग फिक्स्ड लेग है, ठीक है, और ऊपर से भी एक लेग लगा होता है, ठीक है, इस भाग को हम टेलीस्कोपिक लेग कहते हैं। इसको हम एडजस्टेबल लेग भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होता है यहां पर वह स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इसको यहां पर क्या करते हैं, दबा देते हैं, अंगूठे की सहायता से क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं। दबा देने के बाद यहां पर जो लास्ट वाला भाग है यह लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग भाग है। अब इसके द्वारा जब हम इसको दबा देते हैं उसके बाद इससे क्या करते हैं, यहां से लॉक कर देते हैं, जो ही यहां लॉक कर देते हैं तो ये क्या होता है, लॉक हो जाता है। अब इसको हमको कहां ले जाना है, तो इसको हम ले जाएंगे कहां, होल में, ठीक है, कम से कम उस होल का आगे का भाग इतना होना चाहिए तभी जाके वह अंदर जा पाएगा। तो इतना जब गया उसके बाद हम क्या किए, लॉकिंग स्क्रू की सहायता से इसको ढीला करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि इसको हम खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, जितना इसका जरूरत होगा उतना हम खोलकर जब यह दोनों पॉइंट पर सट जाएगा अर्थात दोनों साइड दोनों भाग पे क्या होगा, टच कर देगा, जब यह रुक जाएगा उससे आगे नहीं बढ़ेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो नहीं पर क्या करेंगे, लॉक करके छोड़ देंगे। उसके बाद आसानी से इसको हम टर्न करके क्या करेंगे, इसको ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है। अब ऊपर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्या यह डायरेक्ट रीडिंग दे देगा, डायरेक्ट देगा नहीं देगा, यह क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यह हमको डायरेक्ट माप नहीं देगा। तो फिर कैसे लेंगे इसका माप, तो इसका माप लेने के लिए हम लोग पढ़े होंगे क्या चीज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड
माइक्रोमीटर। जब आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज के बाहरी माप को लेता है, किसी भी जॉब के बाहरी माप को लेता है, तो अब इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके बाहर से इस दोनों लेग को माप ले लेंगे। जो ही ये दोनों लेग को माप ले लेंगे तो मेरा क्या होगा कि यह माप आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा किसी भी जॉब के बाहरी माप को 0.01 mm के एक्यूरेसी में आसानी से माप लिया जा सकता है। और वहीं पर अगर वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर हो तो 0.001 mm के एक्यूरेसी में माप लिया जा सकता है। तो इतना एक्यूरेसी में हम किसके द्वारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा आसानी से हम माप ले सकते हैं। तो जब इतना एक्यूरेसी ले सकते हैं जिसके द्वारा हम आसानी से किसी भी होल के अंदरूनी साइज को माप ले सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या मुंह हो गया किसका, टेलीस्कोपिक गेज का। लेकिन इसमें कुछ चीज हमको और जानना है, जैसे कि यह अगर बहुत बड़ा हो तो क्या यह एक्सटेंशन रॉड इतना बड़ा होता है कि उतना बड़ा माप ले ले। तो यह एक्सटेंशन रॉड जो है, टेलीस्कोपिक गेज लेग जो है, यह चेंज होता है, यह एक्सटेंशन रॉड के रूप में अलग अलग साइज में पाया जाता है। तो यह कितना से कितना साइज तक हम माप ले सकते हैं, इस चीज का हमको ध्यान देना है। तो यह 12.7 mm से लेकर के और 153.4 mm तक के माप को हम ले सकते हैं किसके द्वारा, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। अब यहां पर देखिए 12.7 mm से नीचे अर्थात उससे कम होल के साइज का माप हम नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास देखिए यहां पर ये वाला भाग जो है, यह जो हम डालेंगे यह फिक्स है। तो क्या इससे नीचे माप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका तो कुछ माप है, इसका जो माप है वही ये माप है, अर्थात इससे नीचे माप हम नहीं ले सकते हैं, अर्थात 12.7 से कम साइज का माप नहीं ले सकते हैं। और उससे अधिकतम कितना ले सकते हैं, 153.4। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन रॉड अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, उस एक्सटेंशन रॉड को चेंज करके हम आसानी से माप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना है कि टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल हम वही करेंगे जब हमको किसी भी होल या स्लोट के अंदरूनी माप 12.7 से बड़ा हो और 153.4 से छोटा हो। इस बात का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कुछ भाग है क्या, हैंडल, लॉकिंग स्क्रू है, टेलीस्कोपिक लेग है और फिक्स लेग है। इस बात को हमको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा और पॉइंट है जिसको इसी में हम क्लियर कर देते हैं, वह है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट है क्या, हम लोग किसी भी चीज को एक नापने वाला सामान बना लेते हैं, एक यंत्र बना लेते हैं जिसके द्वारा हम मापते हैं। अगर आप अगर किसान से होंगे और खेत का माप करते होंगे तो आपको पता होगा किसी जमीन के टुकड़ों को अगर मापना है तो उस जमीन के टुकड़ों को क्या हम मीटर लेके जाते हैं खेत में मापने के लिए, नहीं जाते हैं। एक लकड़ी का एक माप ले लेते हैं और उस लकड़ी के माप को हम लोग जो उसका साइज है अर्थात हम लोग 9 फीट का कुछ होता है उतना माप करके इसका एक साइज तैयार कर लेते हैं। इसको हम लोग गांव के भाषा में एक लग्गी कहते हैं, ठीक है, एक लग्गी। अर्थात यह जो होता है इससे एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा अगर होता है तो वह एक धूर होता है, हमको पता होगा। तो यह एक क्या है, एक मापने वाला औजार बना लिया गया है, अर्थात इसको इस तरीके से बना लिया गया है ताकि इससे हम माप कर सके। ठीक उसी तरीके से अब वह यहां पर हमको इसको लेके चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, हमको फीता उता लेके मीटर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से जब वर्कशॉप में, मैकेनिकल वर्कशॉप में हम काम करते हैं तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा एक्यूरेसी में नहीं बनाना होता है, ज्यादा एक्यूरेसी में नहीं बनाना होता है। अर्थात कितना एक्यूरेसी में बनाना होता है, तो अधिक से अधिक 0.5 mm की एक्यूरेसी में बनाना होता है।
और यह संख्या काफी मात्रा में होती है, अर्थात उस जॉब की मात्रा काफी होती है, उसकी संख्या काफी ज्यादा होती है, तो वैसी स्थिति में हमको उसको उत्पादन करने के लिए एक ऐसे मापक का को तैयार करना पड़ता है जिससे हम आसानी से तुरंत माप ले और हमको क्या करना हो, समय का बचत करना हो, तो वहां पर हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमको कोई जॉब तैयार करना है तो क्या किए, इस जॉब का हम एक मास्टरपीस तैयार कर लेते हैं, एक क्या करते हैं, एक मास्टरपीस तैयार कर लेते हैं। अब यह मास्टरपीस जो हम तैयार कर लिए, इस मास्टरपीस के सहायता से बस मेटल के रफ मेटल पर रखे और आराम से इसके द्वारा इसको क्या किए, मार्किंग किए और आराम से इसको हम क्या किए, जॉब बना दिए। जॉब बनाने के बाद हम इससे चेक कर लिए कि लगभग मिल रहा है कि नहीं, अगर लगभग पूरा पूरा मिल रहा है मतलब वह 0.5 mm की एक्यूरेसी में वह जरूर होगा, तो इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमको 0.5 mm के ही एक्यूरेसी में हमको जॉब तैयार करना पड़ता है। तो टेम्पलेट क्या है, एक क्या है, पतली सीट का बना हुआ एक वैसा मेजरिंग पार्ट्स है, वैसा गेज है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब को क्या करते हैं, चेक करते हैं और माप लेते हैं, मार्किंग भी करते हैं। तो यह जो होता है, यह भी एग्जाम में पूछ देता है कि इस जो सीट से बनाया जाता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो वह मोटाई जो होती है वह 3 mm होती है, इसकी मोटाई 3 mm होती है। और यह भी पूछ देता है कि यह जो प्लेट होता है जिस प्लेट का यह मास्टरपीस तैयार करते हैं वह किस मेटल का बना होता है। तो हमको याद रखना है हर हमेशा कि टेम्पलेट माइल्ड स्टील के पतले प्लेट से, चदरे के प्लेट से तैयार किया जाता है जिसकी मोटाई कितनी होती है, 3 mm होती है। ठीक है, तो अब इस बात को हमेशा याद रखना है। और इसको एक चीज और याद रखना है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जनरली हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, लेकिन इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह मुलायम रहेगा तभी जाके किसी जॉब पर आसानी से सेट होगा और उसको खरोचेगा नहीं। अगर यह खुद हार्ड रहेगा, बार बार जब उपयोग करेंगे तो मेटल दूसरे मेटल पर क्या करेगा, क्योंकि अभी माइल्ड स्टील का है, अगर एक हार्ड हो जाएगा तो इस पर क्या करेगा, इस पर अपना प्रभाव छोड़ेगा, अर्थात थोड़ा भी इस पर अगर चोट लगेगा, घिसाव होगा तो उस पर क्या होगा, उसका चिन्ह आ जाएगा। तो दोनों माइल्ड स्टील का रहेगा तो दोनों जब बराबरी में रहेगा तो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। और एक चीज और थोड़ा सा ज्ञान आप बढ़ा दीजिएगा यहाँ पर कि किसी भी माइल्ड स्टील को या कम कार्बन वाले मेटल को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी चीज हो, टेम्पलेट तो छोड़िए कोई भी चीज हो, तो उसको किया क्या जाता है, उसको केस हार्ड किया जाता है। अगर आपके उसके हार्डनेस को बढ़ाना होता है तो उसके लिए हम उसको केस हार्ड करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। हार्ड एंड टेम्पर उसको करते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, या हाई स्पीड स्टील से बना होता है, या हाई कार्बन स्टील से बना होता है, तब उसको हम हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, ना कि माइल्ड स्टील को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। ठीक है, तो यह था मेरा टेम्पलेट। टेम्पलेट समझ में आ गया होगा, एक क्या है, मापने वाला और चेक करने वाला क्या है, यंत्र है, जो क्या है, मास्टरपीस के रूप में एक बना लिया जाता है। कब, जब वैसा ही हमको हजार मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना होता है तो ऐसा एक मास्टरपीस तैयार कर लेते हैं और उसी से हम उसको चेक करते हैं, उसी मास्टरपीस को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।